भाइयों, मेरा नाम प्रदीप कुमार, मैं सुल्तानपुर ज़िले के बल्दी राय ब्लॉक के देवरा गांव का निवासी हूं। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में बताएंगे कि परवल के पौधे में फूल ड्रॉपिंग की समस्या क्यों होती है, क्योंकि हमारे बहुत से किसान भाई फूल ड्रॉपिंग की समस्या से बहुत परेशान रहते हैं, और परवल में कौन सा रोग लगता है, और परवल के पौधे की सिंचाई कब करें और कितने दिनों की बात करें। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि परवल की ग्रोथ के लिए हम क्या करें। परवल की ग्रोथ के लिए हम एनपीके का छिड़काव करते हैं। एनपीके में नाइट्रोजन पाया जाता है, जिससे नाइट्रोजन, सल्फर और पोटेशियम पाया जाता है, जिससे नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे पौधा बिल्कुल हरा भरा दिखाई देता है। और किसान भाइयों, परवल के पौधे में दूसरी समस्या फूल ड्रॉपिंग की समस्या है। इस समय हमारे बहुत से किसान भाई बहुत परेशान रहते हैं कि फूल ड्रॉपिंग की समस्या क्यों होती है, फूल पीले होकर के सूख क्यों जाते हैं। इस समय विशेषकर ये समस्या देखने को मिल रही है, क्योंकि पौधा जैसे ही 2-3 फीट का होता है उसमें से फूल आना शुरू हो जाता है। जैसे फूल आते हैं तो फूल सूख जाते हैं। तो हमारे किसान भाई बहुत परेशान रहते हैं कि हमारे ये फूल आ रहे हैं और सूख क्यों जा रहे हैं। तो उसके सूखने का एक कारण है, क्योंकि परवल उस समय बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रहा होता है। तो परवल के पौधा जब ग्रोथ करता है तो सारे पोषक तत्व जो भी एब्जॉर्ब होते हैं, अवशोषित होते हैं, जड़ों के माध्यम से, ज़मीन से या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, वो क्या होता है कि वो परवल की ग्रोथ में सारा पोषक तत्व लग जाता है। तो जो फूल होते हैं उनको पोषक तत्व उतनी मात्रा में नहीं मिल पाता है। हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि हमें परवल की ग्रोथ करना है, परवल के पौधे को बढ़ाना है, या हमें फल प्राप्त करना है। यदि पौधा ग्रोथ कर गया है, कुछ कर लिया है, कुछ बड़ा हो गया है, अगर हम फल को चाहते हैं तो हम एक सबसे बढ़िया टॉनिक है, जो बहुत बेहतरीन है, चमत्कार टॉनिक है, इस टॉनिक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें फेमिक्यूट क्लोराइड 5% और 95% इसमें जल होता है। तो ये जो फेमिक्यूट क्लोराइड है, इसका काम है पौधे की ग्रोथ को रोक देना। जब इसका हम छिड़काव करते हैं तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। जब पौधे की ग्रोथ रुक जाती है तो हमारे परवल की जो ये शाखाएं होती हैं, ये शाखाएं मोटी होने लगती है, और इसके जड़ों का विस्तार होता है, जड़ों से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। हमारा ये पोषक तत्व जड़ों से अवशोषित होता है, क्योंकि जड़ें विस्तृत रूप से फैल जाती हैं इस टॉनिक का छिड़काव करने से। तो वो जो पोषक तत्व होते हैं वो इन पौधों की शाखाओं को मोटा करते हैं और इस पौधे की वृद्धि को बिल्कुल रोक देते हैं। तो जो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं वो फूलों को मिलने लगते हैं। इससे क्या होता है, फूल फल बनना प्रारंभ हो जाता है और फूल ड्रॉपिंग की समस्या खत्म हो जाती है। यदि हम अपने पौधे की वृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं तो हम इस जीवाग्रो कंपनी के इस टॉनिक का छिड़काव करते हैं, जिसमें इसमें एमिनो एसिड और पेप्टिक एसिड पाया जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन टॉनिक है। इस टॉनिक का छिड़काव करने से पौधा ग्रोथ करता है, बढ़ता है, और फल ड्रॉपिंग की समस्या थोड़ा सा कम होती है, थोड़ा थोड़ा फल रुकने लगता है। तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम फल चाहते हैं तो चमत्कार टॉनिक का इस्तेमाल करेंगे, और परवल की ग्रोथ चाहते हैं और उसके साथ थोड़ा बहुत फल भी चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत फल रुकना प्रारंभ हो जाता है जीवाग्रो कंपनी के जीवाग्रो इस टॉनिक का इस्तेमाल करने से। तो हम इन्हीं में से किसी एक टॉनिक का इस्तेमाल करेंगे,
जैसा हम चाहेंगे यदि हम फल रोकना चाहें। भाइयों, फंगस जनित रोगों के लिए हम साफ फंगीसाइड का इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में बहुत से फंगीसाइड होते हैं, तो हम ज़्यादातर साफ फंगीसाइड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये मार्केट में सस्ते रेट में भी उपलब्ध हो जाता है। हम ये 100 ग्राम का होता है पैकेट है, ये दो टंकी में होता है, 50 ग्राम 15 लीटर वाली पर टंकी में इस्तेमाल करते हैं। इसका छिड़काव करने से फंगस जनित रोग नहीं लगते हैं। तो किसान भाइयों, कुछ किसान हमारे कमेंट करके ये कहते हैं कि हम अपने इन परवल के पौधों की सिंचाई कब करें, तो समय के हिसाब से किस समय कौन सा समय चल रहा है और कितनी गर्मी है उसके हिसाब से और कैसी मिट्टी है उसके हिसाब से अपने परवल के पौधों की सिंचाई करते हैं। जब मार्च का महीना होता है तो हम 15 से 20 दिन पर सिंचाई करते हैं। यही अगर मई जून का महीना होता है तो हम 8-9 दिन पर सिंचाई करते हैं। समय के हिसाब से हम अपने परवल के पौधों की सिंचाई करते हैं। गर्मी में जब ज़्यादा गर्मी होती है, लू चलता है, उस समय एक हफ्ते के लगभग में सिंचाई करते हैं। तो और हमारी मिट्टी कैसी है उसके हिसाब टाइम का चयन करते हैं और देखते रहते हैं, उन परिस्थितियों के हिसाब से अपने परवल के पौधे की सिंचाई करते हैं। क्योंकि अगर जल भराव की समस्या होती है, सिंचाई करते हैं ज़्यादा पानी भरता है, जल्दी जल्दी सिंचाई करते हैं, तो हमारे परवल के पौधों की जड़ों में जड़ सड़न की समस्या हो सकती है। जड़ जब सड़ जाएगी तो परवल का पौधा सूख जाता है। इसलिए हम सिंचाई को एक निश्चित अंतराल के बाद बिल्कुल देख करके, जब हमारे खेत की नमी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए उसके बाद ही हम अपने इन परवल के खेत की सिंचाई करेंगे। और एक रोग है जो बहुत ही खतरनाक होता है, और ये जब तक हम परवल की खेती करते हैं समय पूरे 7-8 महीने तक हमेशा एक सुंडी नामक रोग लगता है। हमेशा 10 से 12 दिन बाद हमें इस दवा का छिड़काव करना होता है। सुंडी के लिए हम इस कीटनाशक का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मार्केट में बहुत से कीटनाशक उपलब्ध हैं, हमला, प्रोफेक्स सुपर, मिसाइल और बहुत से कीटनाशक उपलब्ध हैं, लेकिन हम ज़्यादातर मिसाइल कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब परवल में फूल लगे होते हैं तो इसका फूलों पर कोई प्रभाव नहीं होता है जिससे कि फूल पर विपरीत प्रभाव पड़े। हमने इसे कई साल से यूज करके देखा है, कोई भी समस्या नहीं होती है। इसलिए हम अपने परवल के पौधे में इसी मिसाइल कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं। तो किसान भाइयों, आपको हम अपने परवल के इन पौधों को दिखाते हैं। हमारा परवल का पौधा देखिए, ये देखिए कितना बेहतरीन है, और हमने मचान को पूरी तरह से बना दिया है और हमारे परवल के पौधे काफ़ी बढ़ चुके हैं। और ये देखिए ये फूल जो है ये पीला होकर सूख रहा है। तो हमने अभी अब हम फल चाहते हैं क्योंकि हमारा परवल का पौधा लगभग 8-10 फुट का हो गया है, 12 फुट का हो गया है, उधर वाले और बड़े हो गए हैं, तो हम अब फल चाहते हैं। इसलिए हमने इस समय अब कल ही अभी इसमें चमत्कार टॉनिक का छिड़काव किया है, और हमारा परवल का ये पौधा बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रहा है। थोड़ा सा इसमें विपरीत प्रभाव दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले ही हमारे यहाँ बहुत बरसात हुई थी और पत्थर पड़ा था, और हमारे ये परवल के पौधे देखिए कितने बेहतरीन तरीके से ग्रोथ किया है। देखिए ये काफ़ी, ये मचान के ऊपर देखिए, ये यहाँ देखिए ये मचान के ऊपर काफ़ी फैल चुका है, काफ़ी बड़ा हो गया है, और इसमें देखिए ये काफ़ी फूल आए हैं, और ये फूल देखिए पीले होकर सूख रहे हैं। तो हमने कल ही अभी चमत्कार टॉनिक का इस्तेमाल किया है, देखिएगा एक ही हफ्ते के अंदर इसमें काफ़ी आपको फल दिखाई देने लगेंगे। किसान भाइयों देखिए, हमारा परवल का पौधा देखिए मचान के ऊपर कितना विस्तृत रूप से फैल चुका है। ये देखिए कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं,
ये देखिए मचान पर पूरी तरह से बिल्कुल फैल चुका है और बहुत बड़े हो चुके हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।